नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटसी विन प्रेडिक्शन में। दोस्तों हम कवर करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन केएफसी टी20 मैक्स का फर्स्ट मैच है, जो कि दोस्तों खेला जाएगा VLY से RLS टीम्स के बीच डीप्ला स्प्रिंग स्पिन। फुल स्टॉप इन्फो, दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टेट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना, यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले मैचेस की वीडियो टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप हमें अपने टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। जाके अपने टेलीग्राम पे आप सर्च करें @realFWP, अपने टेलीग्राम पे आपने ही सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपको फैंटसी विन प्रेडिक्शन का चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर दिखेंगे। वही हमारा रियल चैनल है, उसी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे नाम से कुछ फेक चैनल भी बने हैं, तो आप यूजर नेम देख के 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन करिएगा। बात करें दोस्तों मैच की, तो मैच दोपहर में 1:30 से गेम शुरू होगा और दोस्तों मैच होने वाला है एलन बॉर्डरफील्ड ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों विकेट की, दोस्तों का जो विकेट होता है बैटिंग के लिए काफी बढ़िया विकेट होता है, बाउंड्रीज भी यहाँ पे थोड़ा छोटी होती है, जिससे यहाँ पे जम के रन बनते हैं। हालांकि दोस्तों पेसर्स को शुरुआती वर्ष में मदद जरूर मिलती है, खास करके जब बॉल थोड़ा नया रहता है, तो ओवरऑल यहाँ पे बैटिंग विकेट है बाउंड्रीज छोटी है, तो अच्छा हाई स्कोरिंग मुकाबला देखेंगे और आप आराम से 180 दोस्तों तक स्कोर देख सकते हैं। पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे VLY टीम्स के, सारे प्लेयर जो स्टेट्स हैं टी20 के और बैटिंग ऑर्डर से ही मेंशन है, तो बैटिंग ऑर्डर भी लगभग यही देखने को मिलेगा। इस टीम के लिए आपको ओपन करते दिखेंगे उस्मान ख्वाजा, इनके साथ ओपन करने आएंगे हैरी डिक्सन। यदि बात करें दोस्तों ख्वाजा की, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, दोनों टीम में कुछ सीनियर प्लेयर रखे गए हैं, कुछ प्लेयर उनके डोमेस्टिक के रखे गए हैं और उनको मतलब जो उनके यंग प्लेयर हैं उनको मौका देने की कोशिश की जा रही है, उस मतलब से टूर्नामेंट कराया जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों उस्मान ख्वाजा एक सीनियर प्लेयर है और इनके साथ ओपन करने आएंगे जो एक अंडर-19 के प्लेयर हैरी डिक्सन। अभी जो पिछले साल वर्ल्ड कप होता अंडर-19 का, उसमें हैरी डिक्सन ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के लिए खेले थे, अंडर-19 लेवल से आ रहे हैं। कुछ रिसेंटली कुछ टी20 मैचेस खेले थे, अभी पाकिस्तान एक ही टीम ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी कुछ मैचेस के लिए, वहां भी खेले थे। वो 13 रन पाकिस्तान एक खिलाफ बनाए थे, 2 विकेट भी उनके निकाले थे, उसके पहले एक किया था 19 रन 1 विकेट 28 रन। मतलब ये पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, एक दूर की बॉलिंग कर सकते हैं, साथ में ओपन करेंगे तो अच्छी पिक रहेंगे, आप जरूर ट्राई करें। 19-20 साल की एज है, अच्छा लड़का अच्छा खेलता है। उस्मान ख्वाजा भाई बताने की कोई बात ही नहीं है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत सारी मतलब लीग्स वगैरह का एक्सपीरियंस है, 117 टी20 मैच अपने करियर में खेले हैं, 3000 के ऊपर रन बनाए हैं, तो ख्वाजा तो आपकी टीम में रहेंगे ही रहेंगे। हैरी डिक्सन को आप GL में CBC कर सकते हैं, बाकी दोनों को अपनी टीम में रख के चलिएगा। बैटिंग के लिए विकेट अच्छा है तो दोनों आपकी टीम में होने चाहिए। नंबर 3 पे दोस्तों यहाँ पे बेबजन, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, अंडर-19 के ही प्लेयर है। अब इनने रिसेंटली अंडर-19 के वनडे मैच जो खेले थे वहाँ पे वनडे में 3 120 22 44 का स्कोर किया था, लेकिन ये टी20 फॉर्मेट है, देखते हैं कैसा खेलते हैं, GL में ही रोटेट करिएगा। नंबर 4 पे आएंगे मैक्स ब्रांड, हालांकि कभी कभार ओपन भी करते हैं, तो यदि उस्मान ख्वाजा नहीं खेलेंगे तो उस कंडीशन में मैक्स ब्रांड ओपन भी कर सकते हैं, तो देखने का वेट करिएगा टॉस का, क्योंकि हैरी डिक्सन तो कंफर्म ओपन करेंगे और इनके साथ ख्वाजा को ही ओपन करना चाहिए, क्योंकि मैक्स ब्रांट रिसेंटली जो मैचेस खेले हैं नंबर 4 पे खेले हैं, 62 मैच के अंदर 1200 करीब रन है, 21 का औसत है, और यहाँ पे बिग बैश लीग के अंदर भी खेलते रहते हैं किसी न किसी टीम से, तो आप इनको भी ट्राई करिएगा, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं, काफी अटैकिंग शॉट्स खेलते हैं। नंबर 5 पे आएंगे डेलन मैकलेसन, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, कीपिंग भी यूनिक करना चाहिए, और इससे पहले लिस्टे के एक मैच खेले थे उसने 44 रन बनाए थे, मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करी थी, तो मिडल ऑर्डर बैटिंग करेंगे साथ में कीपिंग करेंगे तो वहां से भी पॉइंट दे सकते हो, तो अच्छे पिक रहेंगे, मतलब ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। एक ही कीपर यदि आपको लेना है तो सामने वाली टीम का जो कीपर है अपने साथ है, जैक वेल्डरमुथ की बात करें, जो राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम डालते हैं और ये एक CBC के अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। वो 56 मैच की 56 इनिंग में 42 विकेट भी ले चुके हैं, मतलब हर मैच में बॉलिंग करते हैं, तो 3 से 4 ओवर का बॉलिंग करेंगे, 308 रन बैटिंग से मतलब नंबर 6 के आसपास बैटिंग करेंगे, तो CBC के एक परफेक्ट कैंडिडेट ये भी आपकी टीम में रहने वाले हैं। बात करें दोस्तों पैट्रिक क्वार्टर की, जो कि स्टेट्स इनका मुझे मिला नहीं है, खेलेंगे भी तो नीचे ही खेलना चाहिए, बाकी इनका कोई स्टेट्स मुझे मिलेगा तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। कैमरन वॉइस की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, लेग ब्रेक डालते हैं, 105 मैच के अंदर 116 विकेट निकाल चुके हैं, प्लस थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। मार्क स्टेकटी की बात करें, जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट है, 72 मैच की 71 इनिंग में 89 विकेट ले चुके हैं, विकेट टेकर आपकी टीम होना चाहिए। बेंजी फ्लोरस की बात करें, इनका भी स्टेट्स मुझे नहीं मिला है भाई, जितने लोगों को मिला मैंने दे दिया। टॉम स्ट्राइकर की बात करें, जो कि अंडर-19 के वनडे मैचेस में रिसेंटली उन्होंने बॉलिंग कराई थी, आप 1 विकेट निकाले, एक मैच में 6 विकेट निकाले थे, 2-1-0 अंडर-19 लेवल पे तो अच्छा किया था, यहाँ देखना पड़ेगा कैसा करते हैं। मेन बॉलर्स की बात करें तो विंजी फ्लोरस भी एक बॉलर ही हैं, खेलेंगे तो कुछ ना कुछ ओवर जरूर कराएंगे, लेकिन आपको जो मेन बॉलर दिख रहे हैं उसमें से मार्क स्टेगटी से आप 4 ओवर पूरे देखेंगे, कैमरन बॉयस से भी आप 4 ओवर पूरे देखने वाले हैं, तो 2 बॉलर यहाँ से हो गए, तीसरे बॉलर इनके जैक यहाँ वाइडर उतरेंगे, तो 3 अपने 12 ओवर पूरे डालेंगे, बाकी के 8 ओवर इनके डिवाइड हो सकते हैं, जिसमें से आप टॉम स्टकर से भी कुछ ओवर देखेंगे, फ्लोरस खेलेंगे तो ये कुछ ओवर डालेंगे, तो ऐसा कुछ इनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन रहेगा।
बात करेंगे दोस्तों आरएलएस की। लेकिन जो मेरा फाइनल टीम होगा इस मैच का वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा टॉस के बाद। ऑलरेडी टेलीग्राम पे 20,000 से ज़्यादा दोस्त जुड़े हुए हैं, जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मैंने लिंक दे दिया, तो आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा अपडेट वहीं मिलेगा। जो आरएलएस की टीम है इस टीम के लिए आपको ओपन करते देखेंगे सैम हेजलेटन के साथ ओपन करने आएंगे जेमी पेटरसन से। बात करें दोस्तों हेजलेट की, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 51 T20 मैच खेले हैं, 900 करीब रन बनाया है, 18 करीब इनका एवरेज रहा है, अटैकिंग प्लेयर है, जब तक विकेट में रहते हैं बड़े शॉट्स खेलते रहते हैं, तो आपकी टीम में होना चाहिए, मस्ट हैव पिक है। इनके साथ ओपन करने आएंगे जेमी पेटरसन, चूंकि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, 21 के करीब इनका बैटिंग एवरेज है, 111 गेम में 1700 करीब रन है, प्लस कीपिंग भी कराएंगे तो आपकी टीम मस्ट हैव पिक है, जेल में अपनी सीवीसी बना सकते हैं। मानस लबसुन दोस्तों सबके कैप्टन लगभग यही रहेंगे, और रिसेंटली इन्होंने जो मैचेस खेले थे कुछ T20 मैचेस खेले थे इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पे जो उनके मैचेस होते हैं लेते हैं काउंटी वगैरह के, तो वहाँ पे उन्होंने T20 मैचेस खेले थे और वहाँ पे उन्होंने हर मैच में बॉलिंग कराई थी। जो लास्ट मैच खेला था वहाँ 5 विकेट निकाले थे, रिसेंट में लगातार बॉलिंग करके आ रहे हैं और T20 में बॉलिंग करते हैं। 55 मैच के अंदर 1200 के ऊपर रन है, 26 के एवरेज है, 55 मैच की 38 इनिंग में बॉलिंग करें जहाँ 39 विकेट निकाले, तो सेफ कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। सब लोग इन्हें कप्तान बनाने वाले हैं तो आप भी बना सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इनकी टीम पहले बॉलिंग करे बाद में बॉलिंग करे, इनके नंबर ऑफ बॉलर एक बार देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। यदि मानस लबसुन के अच्छे खासे बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे तभी हम इन्हें सीवीसी बनाएंगे, नहीं तो फिर हम जैक वेल्डरमुथ को हम कैप्टन बनाएंगे, इनको वाइस कैप्टन कर देंगे। तो टॉस के बाद देखेंगे, अभी के लिए आप इन्हें कैप्टन बना सकते हैं। डेनियल ड्रू की बात करें, 3 मैच के अंदर 45 रन बनाए हैं, नंबर 4 के स्पॉट बैटिंग करते हैं। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे लेग ड्रेनम की, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, इनके स्टेट्स थोड़ा सा मुझे अजीब लगे, इनका तो कोई स्टेट्स अवेलेबल नहीं है। 2 मैचेस उन्होंने खेले थे, एक 2014 में वनडे मैच खेला था उसमें 45 रन बनाए थे, एक 2019 में एक फर्स्ट क्लास का मैच खेला था उसमें 54 रन बनाए थे। तो ये भाई मतलब पता नहीं 5 साल में एक मैच खेल रहा है, तो खेलते भी हैं प्लेइंग 11 में थोड़ा सा एवरेज रहेंगे क्योंकि बहुत टाइम से क्रिकेट खेले नहीं है। जेम्स वेजली की बात करें, 42 मैच के अंदर 361 रन बनाए 14 के औसत से, और साथ में यहाँ पे 33 विकेट भी निकाले हैं, तो ये आपके लिए मस्ट पिक है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। और वेली स्टीवर्ट की स्टेट्स अवेलेबल है नहीं, जैक्सन फील्ड मिलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, लेकिन एक प्रॉपर बॉलर है, 1 मैच में 7 रन जरूर बनाए हैं लेकिन उसमें भी काफी नीचे खेले थे, और 1 इनिंग में बॉलिंग कराई थी लिस्टे के जहाँ पे इनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन उस लिस्टे के अंदर इसने 10 ओवर पूरे डाले थे, एक वनडे मैच था लिस्टे 50 ओवर के मैच को बोलते हैं, उसमें 10 ओवर पूरे डाले थे, तो मैंने सिर्फ अब 4 ओवर की उम्मीद तो नहीं लेकिन 3 तक की उम्मीद हम कर सकते हैं इनसे, ट्राई कर सकते हो। कैरन एलियट की बात करें, ग्रैंडलिंग में ट्राई करिएगा, टॉम विक्स का स्टैट्स है नहीं, गेब बेल को आप ट्राई कर सकते हो, 1 लिस्टे के अंदर 2 विकेट लेके आ रहे हैं, 4 ओवर पूरे डालेंगे तो ये भी अच्छे पिक रहेंगे। तो इनके मेन बॉलर्स की बात करें तो आप इनसे भी 3 से लेकर 4 ओवर देखेंगे, और ऐसे आप जैक्सन फील्ड से भी अच्छे खासे ओवर देखेंगे, 2 बॉलर हो गए, बैजली से भी आप ठीक ठाक ओवर देखेंगे, 3 बॉलर हो गए, 4 दोस्त इनके हो गए लबसन है, 5वें बॉलर टीम के रहने वाले हैं यहाँ से इलियट, लेकिन कुछ और विक्स भी डालेंगे तो 6वें बॉलर विक्स ही रहेंगे। बहरहाल बात कर लेते हैं इस मैच की टीम की, लेकिन जो मेरा फाइनल टीम बनेगा वो टॉस के बाद ही बनेगा, जो कि आपके साथ मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। ऑलरेडी हो दोस्तों 20,000 से ज़्यादा दोस्त जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक है, आपने भी जुड़ जाना है। आप रियल FW पे टेलीग्राम पर सर्च करके 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर देख के भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस मैच की टीम की, दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं यहाँ से जेमी पेटरसन के साथ जा रहा हूँ। स्मॉल लीग में अपने इनिंग कवर करना है क्योंकि ओपन करते हुए देखेंगे प्लस कीपिंग भी कराएंगे, तो जेमी पेटरसन से बेहतर ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों मैकलचन भी ग्रैंड लीग में रोटेट करने लायक है, बाकी इनके बारे में सोचना ही नहीं है। बैटिंग सेक्शन से मैंने 3 प्लेयर लिए हैं, खोजा यदि खेलेंगे तो ओपन करेंगे, आपके लिए मस्ट पिक है। सैम हेजलेट हमेशा ओपन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक्स ब्रांड कभी कभार ओपन करते हैं, ज्यादातर मिडल ऑर्डर खेलते हैं, यहाँ भी मुझे लग रहा है मिडल ऑर्डर ही खेलेंगे। ऐसी एक कंडीशन बन सकती है उस्मान खोजा नहीं खेले, तो उस कंडीशन में यहाँ से मैक्स ब्रांड ओपन कर सकते हैं, लेकिन शायद ख्वाजा खेलेंगे, इसलिए मैं इन तीनों के साथ जा रहा हूँ। तीनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और अब दोस्तों एक प्लेयर है वेबकेन जिनका सिलेक्शन बहुत कम है, 1% से भी कम है, और रिसेंटली जो अंडर 19 के वनडे मैचेस खेले थे बहुत बढ़िया खेले थे, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर। बात करें दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, यहाँ से मैंने 3 प्लेयर लिए हैं, जैक बिल्डर मुथ आपकी टीम में होने चाहिए, लबसाने भी होने चाहिए, हैरी डिक्सन भी होने चाहिए। यहाँ से मैंने जैक्सन फील्ड को नहीं लिया, लेकिन जैक्सन फील्ड अच्छे बॉलर हैं, टॉस के बाद हम इनको ट्राई कर सकते हैं, और उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। बॉलिंग सेक्शन से एस्टेगेटी मस्ट हैव पिक है, बेजली इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बॉयसी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बेल भी इंपॉर्टेंट है। बड़े सिलेक्शन 5% है, लेकिन 1 लिस्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकालें, 4 ओवर पूरे डालेंगे। इलियट को ग्रैंड लीग में रोटेट कर लीजिएगा। अब दोस्तों एक दो चेंजेस हो सकते हैं, जिसमें टॉस के बाद यदि कोई बड़ा प्लेयर नहीं खेलता, क्योंकि अभी तो हमने सारे मेन प्लेयर्स को कवर कर लिया, लेकिन तो कोई नहीं खेलेगा, कोई यदि बैटिंग सेक्शन नहीं खेलेगा तो मेरा 4वां प्लेयर बैटिंग सेक्शन से सीधे यहाँ से वेबकन आएगा। यदि जो मैंने 3 लेन में से कोई भी नहीं खेला तो मैं वेबकन को ले लूँगा। ऑलराउंडर में मैं अपनी टीम में जैक्सन फील्ड को ले सकता हूँ, बाकी बॉलिंग में इलियट वगैरह को रोटेट कर सकते हैं, और ऐसे टी स्ट्राइकर को भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, ये भी अच्छे बॉलर हैं, अभी अंडर 19 लेवल पर 6 विकेट एक मैच में लेके आ रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों हम टीम की प्रीव्यू की, दोस्तों मेरी टीम के कैप्टन रहने वाले ऐसे मानस लबसुन, वाइस कैप्टन दोस्तों रहने वाले हैं जैक वेल्डरमुथ, जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना है, सीवीसी रिवर्स कर सकते हैं। अब सीवीसी हम रिवर्स करेंगे कि नहीं वो डिपेंड करता है पूरी तरह से
यहाँ पे VLY की बॉलिंग पे दी। VLY की टीम देखिए, जैक बिल्डर बुथ तो अपने चारों पूरे डालेंगे, और यदि RLS की जो टीम है यानी लपसाने वाली टीम, इनकी टीम RLS है, यदि इनकी टीम में पांचवें मेन बॉलर रहेंगे बांडर्स लपसन, तभी मेरे कप्तान बनेंगे। यदि मुझे लगेगा डाउट है थोड़ा सा इनके बॉलिंग में चार ओवर की, मैं सीधे वेल्डर बुथ को कप्तान करके इनको वैसे कर दूंगा। तो ये चेंज कर सकते हैं। बाकी मेरी टीम में जैक्सन फील्ड आ सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, और यदि इनमें से कोई भी नहीं खेला तो यदि इन जो मेरे बैट्समैन लिए बैटिंग सेक्शन से, इनमें से कोई भी एक बैटर नहीं खेलता है, तो मैं अपनी टीम में विपगन को लूंगा, जिनका मात्र 1% सिलेक्शन है, अंडर 19 में भी 100 मारा था। तो एक दो चेंजेस टॉस के बाद हो सकते हैं। यदि कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं खेला, जाहिर सी बात है मैं जो उनका अंडर 19 लेवल का प्लेयर है उसको लेना पड़ेगा, तो अभी तो टीम में ही रख रहा हूँ, लेकिन इस टीम में हम टॉस के बाद चेंज कर सकते हैं। तो जो मेरी फाइनल टीम बनेगी, मैं टॉस के बाद आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक दे दिया, आपने जुड़ जाना है। ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पर 20,000 से ज़्यादा दोस्त जुड़े हुए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पर अकाउंट में टेलीग्राम का लिंक है, जो जरूर जाएगा, सारा अपडेट आपको वहीं मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।